हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 या फिर आप कह सकते हैं 2024 की प्योर ईवी इको ड्रिफ्ट 350 इलेक्ट्रिक बाइक। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस इलेक्ट्रिक बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। आप चलाते वक्त आपको एक्सपीरियंस कैसे दे सकती है, इलेक्ट्रिक बाइक है तो यहाँ पर आप लोगों को रेंज कितना मिलेगी, कितना आपको प्राइस के लिए पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन क्या आपको देखने को मिल सकते हैं, सबके बारे में दोस्तों आज एक डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के दौरान। और आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू KK ट्रेडिंग फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग उड़ीसा के भुवनेश्वर में रहते हैं, कोई भी आप यहां पर प्योर ईवी की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं, डिटेल्स भी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से करते हैं शुरुआत, जैसे मैं आप लोग को हर वीडियो में बताता हूं। सबसे पहले आप इसकी जो की है वो देख लीजिए, नॉर्मल सी मिल रही है। अब इसमें कुछ खास तो है नहीं दोस्तों, खास है इसकी ये जो स्मार्ट की है इसमें। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें चार बटन आप लोग को मिल रहा है। सबसे नीचे जिसमें आप लोग को ये पावर वाली साइन दिख रही है, इसमें अगर आप इसको डबल टैप करते हैं दोस्तों तो ये बाइक जो है आप लोग को ऑन होती हुई दिखेगी। अगर आपको ऑफ़ करना है दोस्तों तो क्या करना है, ये जो बटन है इसको आप यहाँ पर ऑफ़ कर दे रहे हैं सिंगल टैप के साथ इस बटन को। अगर दोस्तों आप अपनी बाइक को पार्क में मतलब पार्किंग में खड़ी कर रखे हैं, शाम को आप जब लौट रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि भाई मेरी बाइक के पास और भी कई सारी बाइकें रखी हुई है, मैं पहचानूंगा कैसे कि मेरी बाइक कहाँ पर है, तो दोस्तों फाइंड माय व्हीकल आप यहाँ पर जस्ट इस बटन को एक सिंगल टैप कीजिए। देखिए बाइक आपकी यहाँ पर आप लोगों को बता रही है कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, आप मेरे पास आ जाइए। अब आपको आपकी बाइक की जो सेफ्टी है वो भी प्यारी है, तो कंपनी ने यहाँ पर जो स्मार्ट लॉक है, एंटी थेफ्ट सिस्टम, वो भी यहाँ पर दे रखी है। तो आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, ये वाली जो बटन है देखिए सिंगल टैप के साथ बता रही है कि भाई एंटी थेफ्ट सिस्टम जो है वो ऑन हो चुकी है। अब दोस्तों अगर आप अपनी बाइक के साथ कोई भी छेड़खानी कर रहे हैं तो ये देखिए ये जो सिग्नल है ये आप लोगों को यहाँ पर दे रहा है। बाकी मैंने सिर्फ यहाँ पर एक बार इसको, ये देखिए जैसे आप इसको छेड़खानी करते हैं इसके साथ ये आप लोगों को बीप साउंड देती है। और अभी तो दोस्तों ये सेंटर स्टैंड पे है, ठीक है, ये देखिए कितनी जोर से आप लोगों को ये बीप साउंड दे रही है। अभी तो ये सेंटर स्टैंड पे, अगर आप इसको 5-10 सेंटीमीटर भी आगे इसको ले जाने की कोशिश करते हैं ना तो ये जो पीछे वाली जो टायर है दोस्तों ये भी लॉक हो जाती है। बाकी पहले ये फोर व्हीलर में ज़्यादा मिला करती थी ये सिस्टम, अभी तो आप लोगों को ये टू व्हीलर में भी मिलना शुरू हो चुका है। आप लोगों का क्या कहना है अबाउट द सिस्टम दोस्तों, बिल्कुल आप नीचे यहाँ पर कमेंट पर लिख के बताइएगा। और दोस्तों अब यहाँ पर जो इसकी दूसरी सारी चीज़ें उसके बारे में बात करते हैं। एक बार दोस्तों दोबारा बाइक को हम लोग यहाँ पर ऑन कर देते हैं। दोस्तों फ्रंट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी हेडलैम्प के बारे में बताऊँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी मस्कुलर से दिखने वाली ये हेडलैम्प भी आपको मिल रही है। आपका क्या कहना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट कीजिएगा। अब ये जो दो पायलट लैम्प है, हेडलैम्प, आप इसको बारी बारी से ऑन ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। वो कैसे वो मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पर अगर आप सिंगल स्टेप इसको ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बल्ब की यहाँ पर ये जो पायलट लैम्प है वो आप लोगों को जलती हुई दिख रही है। और अगर आप इसको सेकंड स्टेप में जाके ऑन करते हैं दोस्तों तो कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है आप उसको भी ऑपरेट कर पा रहे हैं। और यहाँ से दोस्तों आप लोग अगर चाहें तो इसकी जो हाई बीम है, लो बीम है, आप उसको भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको हम लोग कर देते हैं बंद। बाकी ये जो हेडलैम्प का सेटअप है आप लोगों को देखने में कैसे लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सेमी फ्लेक्सिबल या फिर आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बल्ब टर्न इंडिकेटर्स जो है वो भी यहाँ पर मिल रहा है। नीचे है दोस्तों यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह, देन आप लोगों को यहाँ पर ये जो काफ़ी तगड़ी सी ये फाइबर की जो मडगार्ड है वो भी आप लोग देख पा रहे हैं। देन यहाँ पर आप लोग को 80/100 सेक्शन के जो टायर है वो यहाँ पर देखने में मिल रहा है विद 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और खूबसूरती के लिए दोस्तों यहाँ पर आप डायमंड कट जैसे यहाँ पर जो फिनिश है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों जहाँ तक बात है ब्रेकिंग की, तो यहाँ पर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम का यूज़ करती है। अब अगर मैं आप लोग को बताऊँ दोस्तों तो कंपनी ने यहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग इस्तेमाल करते हैं, मतलब जब आप यहाँ पर ब्रेक कर रहे होते हैं तो ये जो बैटरी है दोस्तों वो भी इंटर्न चार्ज होती है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग इसके बारे में विस्तार से जानना है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। साथ ही दोस्तों फ्रंट में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 220mm की ये जो बड़ी सी यहाँ पर ये जो ब्रेक डिस्क है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। खास बात यह है कि प्योर ईवी अपनी खुद की यहाँ पर बनाई हुई जो कैलिपर है वो भी यहाँ पर यूज़ कर रही है। और जहाँ तक बात है सस्पेंशन का दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर ये जो मतलब टेलीस्कोपिक फोक है वही देखने में मिल रहा है। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 3 kW की जो BLDC मोटर है वो आप लोगों को मिला, जो आप देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर जो रियर टायर है उसमें यहाँ पर फिट करा गया है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इन शॉर्ट बताना चाहूँगा, अगर आप लोग यहाँ पर ये इसकी जो बैटरी है इसको भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग के 3.5 kWh की देखने में मिल जाती है। और इसको चार्ज करने के लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो मतलब चार्जिंग जो यहाँ पर जो सेट मिलता है उसके बारे में आप लोगों को बता दूँ, 84V 8A का यहाँ पर आप लोगों को जो पोर्टेबल चार्जर है वो भी यहाँ पर देखने में मिल जाता है। अब खास बात यह दोस्तों चार्ज करने में भी आप लोगों को 4-6 घंटे के बीच में ही जो समय लगेगा, ठीक है, मतलब 5-6 घंटे में आप कह सकते हैं कि जो बैटरी है वो कंप्लीटली चार्ज यहाँ पर हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें खास और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर आप लोग ग्रेडेबिलिटी देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को 12 डिग्री तक का मिलता है। अब ग्रेडेबिलिटी में क्या होता है ना दोस्तों, मतलब एक मतलब व्हीकल के पास चढ़ाई चढ़ने के लिए मतलब इंक्लिनेशन चढ़ने के लिए कितनी ताकत है वो आप लोग को यहाँ पर समझाती है। 45 अगर डिग्री तक की ग्रेडेबिलिटी होती है तो उसको 100% माना जाता है, तो यहाँ पर आप लोग को 12 डिग्री तक की मिले तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी खासी ग्रेडेबिलिटी भी मिल रही है, ताकि अगर आप वेट के साथ भी अगर आप चढ़ाई भी चढ़ रहे हो तो आप आराम से चढ़ सके, तो वो भी इस
बाइक के साथ आप कर सकते हैं, तो ये भी इसकी कैपेबिलिटी के अंदर ही दोस्तों माना जाएगा। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को तीन मोड देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला मोड है ड्राइव मोड, देन आप लोगों को क्रॉसओवर मोड मिलेगी, देन थ्रिल मोड मिलेगा। ड्राइव मोड में दोस्तों आप लोगों को 45 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड मिलेगी और कंपनी क्लेम करती है 170 किलोमीटर तक की वहाँ पर आप लोगों को जो रेंज है वो भी देखने में मिल जाएगा। देन दोस्तों क्रॉसओवर मोड में आप लोगों को 60 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड मिलेगी, कंपनी क्लेम के हिसाब से 140 किलोमीटर तक की वहाँ पर आप लोगों को जो रेंज है वो भी मिल जाएगा। अब थ्रिल मोड में दोस्तों 75 किलोमीटर पर आवर तक की आप लोगों को जो टॉप स्पीड है वो मिलेगी और वहाँ पर कंपनी क्लेम करती है कि 105 किलोमीटर तक की आपको जो मतलब रेंज है वो देखने में मिल जाती है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये जो बॉक्स एक्सेस स्विंगम है वो मिल रहा है, आप लोगों को मेन स्टैंड मिल रहा है, साइड स्टैंड मिल रहा है और यहाँ पर अगर आप लोग ये फुटरेस्ट या फिर अगर आप इस क्रैश गार्ड की क्वालिटी देखते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छी है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये मतलब जहाँ पर ये बैटरी स्टोरेज की क्वालिटी अगर आप देख रहे हैं तो ये भी मेटल की और काफ़ी अच्छी है। जहाँ पर प्योर ईवी की लोगो और ये जो ब्रांडिंग है दोस्तों ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। ओवरऑल वेट की अगर बात करी जाए दोस्तों तो 101 किलोग्राम तक की अप्रॉक्सीमेटली आपको देखने को मिलेगी और 140 से 150 किलोग्राम तक की भी वेट अगर आप इस पर लाद के चल रहे हैं तो भी बाइक आराम से झेल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो ग्राउंड क्लियरेंस आप देख पा रहे हैं ये भी आप लोगों को 200 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आप लोगों को देखने में मिल रहा है। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप लोग इसकी ये सीट देखते हैं तो इसकी जो कुशनिंग वगैरह ये भी काफ़ी अच्छी है और अगर आप लोग ग्रैब हैंडल देख रहे हैं तो ये भी आपको काफ़ी तगड़ी ही मिल रही है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं दोस्तों अगर आप लोग थ्रिल मोड में भी चला रहे हैं जहाँ पर कंपनी 105 किलोमीटर तक का जो अब रेंज है वो वायदा कर रही है तो उसके साथ भी अगर आप लॉन्ग राइड्स पे भी जा रहे हैं दोस्तों तो मेरे ख्याल से सीट की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर आप यहाँ पर इस चेन का इस्तेमाल करते हैं, आपको बता दूं अगर इसको अगर आप थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो देखिए चार्जिंग का जो पोर्ट है वो आप लोग को यहाँ पर इंसर्ट करना होगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इस चेन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जो सर्विस बुक है दोस्तों वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। और अगर दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर ये हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न इज प्रीटी लाउड, आपको अच्छी तरीके से सुनाई दे देगी क्राउड में। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मोटर ऑन ऑफ करने का जो किल स्विच है वो आप लोगों को मिल रहा है, देन हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने का स्विच मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और ये है दोस्तों रिवर्स सिस्टम, जी हाँ दोस्तों मतलब अगर आप इसको प्रेस करके अगर आप थ्रॉटल देते हैं ना तो ये बाइक पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है, थोड़े कम स्पीड में, ताकि आपको सुविधा हो बाइक को रिवर्स करने में, आप लोगों को मैकेनिकल अपनी जो खुद की ताकत है वो यूज़ करके पीछे आपको धक्का ना देना पड़े, ये भी काफ़ी सही है। बाकी तीन मोड है दोस्तों वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है। और ये है दोस्तों पार्किंग मोड, पार्किंग मोड की भी अपनी खासियत है, जैसे अभी ये पार्किंग मोड में है, ठीक है, तो जब ये पार्किंग मोड में आपने इसको डाल के रखा है दोस्तों तो यहाँ पर ना आपको अब जब बाइक खड़ी है तो कभी कभी ऐसा एक्सीडेंटली हो जाता है ना कि बाइक खड़ी है हल्का से थ्रॉटल मुड़ जाती है तो बाइक आगे की तरफ भागती है, स्कूटर आगे की तरफ भागती है, लेकिन बाइक अगर ऑन भी है पार्किंग मोड में अगर बाइक आपकी खड़ी है तो बाइक ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, तो ये एक बहुत बढ़िया बात बनती है। और दोस्तों अगर मैं आप लोगों को मीटर कंसोल के बारे में दोबारा एक बार बताऊं तो जैसे आप ऑन करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिख जाती है, बाकी कैमरा की जो यहाँ पर मतलब कैमरा की जो रिफ्रेश रेट और इसकी रिफ्रेश रेट मैच नहीं कर रही इसलिए थोड़ी सी वो ब्लिंक करती हुई आपको दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पर पी बटन का अगर आप इस्तेमाल दोबारा करते हैं तो अभी ये बाइक चलने के लिए रेडी है ना। यहाँ पर जो बैटरी स्टेटस है वो आप लोग को बताती है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो ओडोमीटर है वो बता रही है, प्योर ईवी की लोगो आप लोग को यहाँ पर बता रही है और कौन से मोड पर है, फर्स्ट मोड पर है और सेकेंड मोड पर आप जा रहे हैं, देन आप यहाँ पर थर्ड मोड में आ रहे हैं मतलब थ्रिल मोड में जा रहे हैं, क्रॉसओवर में जा रहे हैं, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती है, तो ये भी काफ़ी सही बात बनती है दोस्तों। और इसके साथ साथ ही दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको आप मतलब ब्लूटूथ के सारे स्मार्ट बीएमएस कंपनी यहाँ पर इस्तेमाल करती है तो उसके सहारे दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पर बैटरी के साथ भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, एक बार मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों अगर आप स्मार्ट बीएमएस आपको डाउनलोड करते हैं तो जितना बैटरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है उससे कई ज़्यादा आप लोगों को यहाँ मिलेगा, बैटरी की परसेंटेज, बैटरी कितने वोल्ट पे है, ठीक है, देन यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिनिमम एवरेज वोल्ट है और बैटरी का ये जो पूरा जो मतलब कच्चा चिट्ठा है ना वो आप लोगों को यहाँ पर दिखता है। देखिए बैटरी का जो सीरियल नंबर है वो सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही है। तो ऑन द गो अगर आप लोगों को और करीब से बैटरी को मॉनिटर करना है तो ब्लूटूथ के सहारे आप इसको भी आराम से मॉनिटर कर सकते हो। खास बात क्या जानते हैं, अगर आप इस बाइक को बंद भी कर देते हैं ना तो बंद कंडीशन में भी अगर बाइक ऑफ भी है तो भी आप इसको आराम से मॉनिटर कर पाएंगे, ये यहाँ पर सबसे बढ़िया बात बनती है। तो ये दोस्तों बाइक के बारे में मोटा मोटा हम लोगों ने बात कर लिया है। अगर आप आईना वगैरह देख रहे हैं दोस्तों तो ये भी आप लोगों को काफ़ी सही जो रियर व्यू है वो देती है। बाकी चलते वक्त दोस्तों आगे हम लोग इसके बारे में यहाँ पर बिल्कुल बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बाइक हम लोगों ने पूरी तरीके से देख लिया कि भाई मिल क्या करिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर और बताना चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों को जैसे वो मतलब जावा वगैरह में देखने को मिलती है हैंडल लॉक आप लोगों को यहाँ से करना होता है। और चलिए दोस्तों आप देखते हैं कि भाई बाइक को अगर आप राइड कर रहे हैं तो आप लोगों को एक्सपीरियंस है बाइक कैसा निकाल कर दे सकती है। दोस्तों यहाँ पर राइड की करते हैं शुरुआत, और दो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो मैं भूल रहा था। यहाँ पर आप लोग को ट्विन ये जो हाइड्रोलिक सस्पेंशन है वो आप देख रहे हैं वो आप लोग को यहाँ पर मिलता है, और रियर में आप लोगों को सेफ फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बल्ब टर्न इंडिकेटर्स, देन यहाँ पर आप लोग को ये टेल लैम्प और यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर नंबर प्लेट लगाने की जगह और मड गार्ड टाइप का ये जो फाइबर का स्ट्रक्चर ये तो आप लोगों को मिल ही रहा है। अब जब आप सीट पर इसके बैठ रहे हैं दोस्तों तो
इट्स प्रीटी कंफर्टेबल। जी हाँ दोस्तों, इट्स प्रीटी कंफर्टेबल। अब मैंने साइड स्टैंड हटा दिया, अब देखिए ये पार्किंग मोड में है। थ्रॉटल अगर मैं दे भी रहा हूँ, ना आगे ना पीछे, अब आप इसको चाहें तो आप अपने हिसाब से इसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन थ्रॉटल के साथ ये नहीं जाएगी। अगर आप ये पी बटन को दबा रहे तब ये नॉर्मल मोड पे आ रही है। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं क्रॉसओवर मोड, देन हम लोग इसकी जो थ्रिल मोड है उस पर इसको स्विच करेंगे। ये देखिए इनिशियल अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग को बाइक को ना खींचने में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग लोड के साथ भी खींच रहे हैं तो ऐसा आपको फील नहीं होगा कि भाई यहाँ पर मुझे पावर की कमी फील हो रही है, या इलेक्ट्रिक बाइक है तो ऐसा आपको फील नहीं होगा। इलेक्ट्रिक बाइक है, पावर भी आपको उतना ही बढ़िया बिल्कुल निकाल कर दे रही है, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप थोड़ी बहुत वेट के साथ भी इस बाइक को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पिलियन के साथ भी थोड़ा अगर आप लोड भी कैरी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इनिशियल रिस्पॉन्स में आप लोगों को कोई कमी इसमें फील नहीं होगी। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ अबाउट द राइडर पोजीशन, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप काफ़ी अपराइट बैठे हैं और आप ना काफ़ी हल्का सामने की तरफ झुक रहे हैं, शायद आपको फील भी ना हो इतना कम आप सामने की तरफ झुक रहे हैं। तो अगर आप इस पर राइड कर रहे हैं दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को राइडिंग पॉस्चर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फील नहीं होगी। और चाहे आप राइडर हैं चाहे आप पिलियन हैं, काफ़ी अच्छा जो मतलब आप पे कह सकते हैं कि स्पेशियस सीट है वो भी आपको मिल रहा है, तो इस हिसाब से भी आप लोगों को जो कोई मतलब शिकायत मेरे हिसाब से आपको नहीं होगी। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मतलब इसमें एक्सेलरेशन कितनी बेहतर है, तो सबसे पहले दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को हर वीडियो में करके बताता हूं, यहां पर भी कर लेते हैं, देन मैं आप इसकी जो मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके बारे में आप लोगों को आगे बताता हूं। अब दोस्तों मैंने इसको अभी थ्रिल मोड में सेट कर दिया है, क्योंकि कंपनी के हिसाब से थ्रिल मोड में आप लोगों को मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगी। अब देखिए दोस्तों अभी सिटी रोड से बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, एटलीस्ट 60-65 तक खींच के देखने की कोशिश करेंगे कि भाई रिस्पॉन्स कैसा देती है। देखिए दोस्तों मैंने इसको थ्रिल मोड में अभी ला के रख दिया है, क्योंकि कंपनी के हिसाब से वहीं पर मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगी। तो पहले तीन हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ये मैंने कंप्लीट थ्रॉटल यहाँ पे घुमा दिया है अभी, ठीक है। लेट्स सी, बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे दोस्तों जब 60 तक जाएंगे, क्योंकि सिटी में अभी यहाँ पे शायद कैमरास भी इंस्टॉल्ड है, तो बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे। अब रास्ता खाली मिला तो चलिए थोड़ा बहुत देख भी लेते हैं कि भाई कितना सही परफॉर्मेंस ये देती है, ठीक है। ये 70-72 हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर क्रॉस कर चुके हैं। ये देखिए यही प्रॉब्लम होता है, सामने से कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है कि भाई सिटी में बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया जा सकता। कंपनी 75 का यहाँ पर वायदा करती है और हम लोग ऑलरेडी 74 पहुँच चुके हैं, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सिटी का रोड अभी यहाँ पे हमें परमिट भी नहीं कर रही है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि कंपनी यहाँ पर जो क्लेम करती है कि 75 किलोमीटर तक की जो टॉप स्पीड है वो आप लोगों को मिल जाएगा, तो कंपनी यहाँ पर कुछ गलत क्लेम नहीं कर रही है अगर आप इसको थ्रिल मोड मतलब टॉप मोस्ट मोड में थर्ड मोड में अगर आप इसको चलाते हैं तो। और अगर मैं आपको कहूँ दोस्तों, तो मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुआ, तो इसमें आप लोगों को शिकायत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं कहूं कि कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड दोस्तों, 70 की स्पीड पे तो आप आराम से चला ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों आईसी इंजन तो है नहीं कि वाइब्रेशन आपको फील होगी, तो उस हिसाब से सही है। और अभी दोस्तों बात है इसकी ब्रेकिंग की, क्योंकि यहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, मतलब जब आप ब्रेक कर रहे होते हैं तो भी इसकी जो बैटरी है वो चार्ज होती है। और दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको यहाँ पर हम लोग टेस्ट करेंगे, पहले इसको हम लोग 40 तक ले चलेंगे, एंड देन इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको अप्लाई करेंगे। और ये फ्रंट ब्रेक अप्लाइड, ओ भाई साहब, बाकी क्या ना होगा दोस्तों कि ठीक ठाक काम कर रही है, मतलब 220 mm की फ्रंट में आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिल रहा है, तो काम अपना अच्छी तरीके से निभा रही है। और सेम दोस्तों अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी हम लोग 40 पे अप्लाई करते हैं, एंड रियर ब्रेक अप्लाइड, ये रियर ब्रेक भी काफ़ी सही है दोस्तों। मतलब जैसे मैं अमूमन हर बाइक में कहता हूँ प्रोग्रेसिव है प्रोग्रेसिव है, यहाँ पर भी चीज़ कुछ डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर भी आपको प्रोग्रेसिव नेचर की ही मिल रही है। और ओवरऑल दोस्तों एक बार 40 पे ले चलते हैं, देन फ्रंट विथ रियर, हो ये बात तो बढ़िया है भाई, फ्रंट रियर के साथ, मतलब पहले फ्रंट मतलब पहले रियर एंड देन फ्रंट। अब अगर फ्रैक्शनल सेकंड्स के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों मैक्सिमम परफॉर्मेंस ब्रेक में सोचे वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को ओवरऑल हैंडलिंग और सस्पेंशन के बारे में बताऊँ, तो सस्पेंशन दोस्तों आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट और मिड के बीच सेट की गई है, ताकि आप लोगों को मतलब जैसे कंपनी ने थ्रिल मोड दी है कि अगर आप थोड़ा सा स्पीड में चलाना चाहें तो भी आप चला सकते हैं। 75 किलोमीटर पर तक की स्पीड भी अगर आप अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इनफैक्ट अगर आप लोग जैसे ये देखिए, मैं जानबूझकर इस रास्ते पे लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना ये हल्का जो गड्ढा वगैरह आपको दिख रहा है ना, मतलब इसकी जो प्रोफाइल है उस हिसाब से आप देखिए हल्का, ये देखिए मेरी आवाज़ आप लोग को समझ में आ रही होगी, है ना। तो यहाँ पर भी अगर आप गाड़ी को ले रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पर भी गिरे, तो यहाँ पर भी अगर आप गाड़ी को ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, जैसे मैं अभी आप लोगों को बताया ये बॉर्डर पे से मैं नीचे गिरा, तो
प्रॉब्लम फील नहीं हुई दोस्तों मुझे, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मेरी बैक को बहुत ज़्यादा झटका फील हुआ है। तो अगर आप 75 किलोमीटर तक भी जा रहे हैं तो भी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप थोड़े बहुत गड्ढे पर से गुजर रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल दोस्तों कह सकते हैं कि अच्छा खासा जो ब्रेकिंग मतलब ब्रेकिंग से तो रिस्पॉन्स मिल ही रहा है, अच्छा खासा सस्पेंशन से जो रिस्पॉन्स है वो भी आपको मिला। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों दोनों ही, चाहे फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो, मिड और सॉफ्ट साइड के बीच में ही दोनों सस्पेंशन को सेट किया गया ताकि आप लोगों को एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस हो, चाहे वो गड्ढा हो चाहे ऐसा ऑन रोड हो, आप लोगों को एक अच्छा परफॉर्मेंस इसमें से देखने को मिल सके। और दोस्तों अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो सबसे पहले देखते हैं भाई पीछे कोई है तो नहीं, नहीं ये टर्न देखिए इतनी छोटी सी जगह पे हमने टर्न भी इसको कर लिया है, तो अब कह सकते हैं कि टर्निंग रेडी भी सही है। और अगर आप ओवरऑल हैंडलिंग देख रहे हैं दोस्तों तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है, मतलब कंपनी जो क्लेम कर रही है एक्सेलरेशन भी आप लोग उतना मिल ही जा रहा है, सस्पेंशन से भी आप लोग को फीडबैक ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, सीटिंग पोजीशन भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और अगर आप लोग आईना वगैरह देख रहे हैं उसमें से भी जो रियर जो व्यू है दोस्तों वो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा ही मिल रहा है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हैंडलिंग में दोस्तों आप लोगों को बहुत मतलब अच्छी तरीके से ये गाड़ी आप लोगों के साथ दे रही है। और बैटरी को मैनेज करने के लिए दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को वॉक अराउंड के दौरान ही बताया था, आप लोग जैसे यहाँ पे आप लोगों को बास तो दिख ही रहा है लेकिन और अगर आप लोग एक्यूरेटली देखना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को जो बताया था मोबाइल में उसको भी आप कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप उसकी वोल्टेज मॉनिटर करते हैं तो आप लोगों को पता चलता रहता है कि भाई आपकी बाइक में कितनी बैटरी है और आप कितना आगे जा सकते हैं, वो आप लोग अच्छी तरीके से मालूम भी चल जाता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं दोस्तों कि ओवरऑल इसकी जो हैंडलिंग है ना वो आप लोग को यहां पर मजा आता है। और चले दोस्तों अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर, बात करते हैं कि भाई ये बाइक खरीदना आप लोग के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी कितना सही होगा बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। देखिए दोस्तों अगर आप कंपेयर करेंगे विद आरसी इंजन बाइक्स, मतलब जहां पर इंजन आपको मिलती है, स्पेशली अगर आप मान के चलिए किसी 125 सीसी की बाइक आप ले रहे हैं, आप वहां पर मैक्सिमम कितना माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 60 किलोमीटर ठीक है, टू बी सेफ साइड 60, मतलब किसी किसी को दूसरी बाइक में 65 तक भी मिलता है, मतलब किसी को 50 भी मिलता है, तो हम लोग यहाँ पर 60 पकड़ के चलते हैं दोस्तों ठीक है। तो 60 अगर आप ले लेते हैं 60 किलोमीटर पर लीटर, और एक लीटर की अप्रॉक्सीमेट प्राइस मैं वेस्ट बंगाल के हिसाब से बता रहा हूँ 110 रुपये होती है। और जब आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों तो इसको चार्ज करने के लिए 5 से 6 घंटा लगती है, और आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप देखते हैं तो 4 यूनिट पकड़ के चलिए, तो 4 यूनिट, और मैं आप लोगों को कोलकाता की वेस्ट बंगाल की अप्रॉक्सीमेट अगर एक यूनिट की चार्ज बताऊँ, क्योंकि एक यूनिट की चार्ज भी मतलब वैरी करती है, तो 7 रुपये आप पकड़ लीजिए, तो 7 रुपये के हिसाब से अगर 4 यूनिट देखा जाए तो 28 रुपये में ये आप लोगों को कंप्लीट चार्ज करके देती है। और अगर आप लोग थ्रिल मोड में देखते हैं 105-10 किलोमीटर की रेंज, और अगर आप लोग यहाँ पर इको मोड में चले जाते हैं 170 किलोमीटर की रेंज, तो आप समझ रहे हैं मतलब एटलीस्ट 50 किलोमीटर की जो रेंज है वो भी आप लोग को ज़्यादा मिल रही है। अगर आप लोग इसको आईसी इंजन की बाइक से भी माइलेज से भी अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं थ्रिल मोड में, अगर आप लोग इसको इको मोड में कंपेयर कर रहे हैं फिर तो भाई छोड़ ही दीजिए, 110 किलोमीटर तक की रेंज जो है वो आप लोग को ज़्यादा प्रोवाइड करा रही है, और पैसे भी कितनी कम ले रही है। अगर आप आईसी इंजन में जा रहे हैं तो 110 के रुपये देना पड़ता है आपको एक लीटर पेट्रोल के लिए, और ये एक चार्ज आप लोग को सिर्फ 28-30 रुपये में बना के देती है, तो आप कह सकते हैं दोस्तों 80 रुपये तक की आप लोगों यहाँ पर बचत भी हो रही है और माइलेज भी यहाँ पर आप लोगों के ज़्यादा मतलब 110 किलोमीटर्स तक की यहाँ पर ये ज़्यादा निकल कर दे रही है। तो लाजमी है दोस्तों कि यहाँ पर ये आपको किफ़ायती जो चीज़ है बिल्कुल साबित होती हुई दिखेगी। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप इसकी ओवरऑल क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं ना तो ये भी आप लोगों को अच्छी मिल रही है, मतलब क्वालिटी में आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, जिस हिसाब से अगर आप ये मतलब कंपनी ऑफर करती है काफ़ी बढ़िया है। अब अगर आप प्राइस देख रहे हैं दोस्तों तो 1,30,000 तक अप्रॉक्सीमेट एक शोरूम पर आएगी, और 1,47,000 तक अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड देखने को मिल जाएगी, तो काफ़ी सही भी है दोस्तों है ना, मतलब अगर आप लोग आईसी इंजन की बाइक्स देखते हैं तो वो भी आप लोग को 1,15,000-20,000 तक की तो मिलती है, तो बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस भी आप लोग को यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। और ओवरऑल अगर आप चला रहे हैं दोस्तों तो काफ़ी मतलब अच्छी राइड आप लोग को निकाल कर दे रही है, लुक भी आप लोग को काफ़ी अच्छी और ठीक ठाक देखने को मिलती है, हैंडलिंग भी अच्छी है, ब्रेकिंग है, रीजनरेटर सिस्टम है, आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ यहाँ पर जो बैटरी है उसको भी आप मॉनिटर कर पा रहे हैं, तो मतलब ओवरऑल इससे अच्छा आप लोगों को और क्या ही मिल सकता है दोस्तों है ना। तो मुझे तो दोस्तों चला के बाइक बहुत पसंद आई है, अगर आप लोगों को भी यहाँ पर ये बाइक को खरीदना है तो अपने नियरेस्ट जो पीओरेबी शोरूम है वहाँ पर जाकर टेस्ट राइड लीजिए, मुझे आशा है कि बाइक आप लोगों को बहुत बढ़िया लगेगी। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ, टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।